एप्पल ने अपने लेटेस्ट iOS अपडेट में फेस आईडी विद मास्क का फीचर जोड़ दिया है। नया फीचर है। इस फीचर की मदद से आप मास्क पहने हुए भी अपने आईफोन को अनलॉक कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। एप्पल ने iOS 15.4 अपडेट रिलीज कर दिया। इस अपडेट में एप्पल ने एक बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया जो कि कोरोना महामारी के साथ आई थी, क्योंकि नई जनरेशन के ज़्यादातर आईफोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर या टच आईडी नहीं है। इसीलिए फ़ोन अनलॉक करने के लिए आपको फेस आईडी का इस्तेमाल करना होता है। कोरोना के कारण मास्क हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन गया, जिसके कारण से फेस आईडी की मदद से फ़ोन अनलॉक करना मुश्किल हो गया। तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, जिसके साथ मास्क वाली परेशानी कोई नहीं है। तो एप्पल ने समस्या को दूर करने के लिए फेस आईडी को एप्पल वॉच के साथ जोड़ा था, जिसके बाद यूजर्स बिना मास्क हटाए भी फ़ोन को फेस आईडी की मदद से अनलॉक कर सकते थे। हालांकि इसके लिए यूज़र्स के पास एप्पल वॉच का होना ज़रूरी था। iOS 15.4 अपडेट में कंपनी ने इस मजबूरी को भी अब दूर कर दिया। ब्रांड ने यानी कि एप्पल ने लेटेस्ट iOS अपडेट रिलीज कर दिया जो एलिजिबल डिवाइसेस तक पहुंच रहा है। आइए हम आपको बताएं नए अपडेट यानी कि iOS 15.4 के बाद आप कैसे मास्क पहने अपने आईफोन को अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आईफोन की सेटिंग में जाना होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में पहुंचना होगा। यहां आप चेक कर सकते हैं कि आपको iOS 15.4 सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है या नहीं। अगर अपडेट नहीं मिला तो आपको कुछ समय और इंतज़ार करना होगा। वहीं अगर अपडेट मिल गया तो आप उसे डाउनलोड और इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अपडेट इंस्टॉल होने के बाद एप्पल आपको फेस आईडी सपोर्ट का रीसेट करने के लिए पूछेगा। आपको फ़ोन में दो ऑप्शन, फेस आईडी विद मास्क और कंटिन्यू यूजिंग विदाउट मास्क मिलेंगे। तो मास्क के साथ फेस आईडी यूज करने के लिए आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आपको फेस आईडी अपनी रीसेट करनी होगी। फेस आईडी रीसेट करने के लिए आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं, आपको सभी एंगल से अपने फेस को स्कैन करना होगा और कंफर्म पर सिर्फ क्लिक करना होगा। यहाँ पर प्लीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आप चश्मा इस्तेमाल करते हैं तो फेस आईडी रीसेट करते समय उससे भी पहने, यानी कि चश्मा ज़रूर पहने। फेस आईडी रीसेट होने के बाद आप मास्क पहने हुए भी अपने आईफोन को अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर सभी आईफोन के मॉडल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। फिलहाल आईफोन 12 और आईफोन 13 सीरीज़ वाले यूज़र्स ही इसे यूज़ कर सकते हैं।